विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में ऑनलाइन परीक्षा केंद्रों पर केंद्र संचालकों से सेटिंग कर अभ्यर्थियों की जगह सॉल्वर को बैठाकर ऐप के माध्यम से नकल कराने वाले गैंग के गिरोह के एजी ऑफिस, बिजली विभाग के कर्मचारी और लेखपाल सहित 5 सदस्यों को एसटीएफ और शाहपुर पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। एसटीएफ लखनऊ को प्रतियोगी परीक्षाओं में ऑनलाइन धांधली और फर्जीवाड़ा करने के गिरोह के संबंध में सूचनाएं प्राप्त हो रही थी। एसटीएफ के विभिन्न टीमों और इकाइयों को इस बारे में कार्रवाई करने के लिए कहा गया। इसी के दौरान एसटीएफ फील्ड इकाई गोरखपुर को ज्ञात हुआ। ऑनलाइन परीक्षाओं में विष्णुनगर भेड़ियागढ़ मोहल्ले में एक व्यक्ति से कुछ अभ्यर्थी सेटिंग कराने के लिए आने वाले हैं। इस सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए एसटीएफ की फील्ड इकाई गोरखपुर के इंस्पेक्टर सत्यप्रकाश सिंह और शाहपुर थाने के इंस्पेक्टर संजय सिंह ने एक व्यक्ति जिसका नाम संतोष कुमार यादव को 5 बजे शाम को पकड़ लिया। उसने बताया कि मकान नंबर 812 एफ विष्णुपुरम भेड़ियागढ़ में पहली मंजिल पर सॉल्वर गैंग के कुछ सदस्य मौजूद हैं। जब एसटीएफ और शाहपुर थाने की टीम प्रथम तल पहुंचकर दरवाजा खुलवाने का प्रयास किया तो अंदर बैठे लोगों ने करीब 1 घंटे बाद दरवाजा खोला। साक्ष्य मिटाने के लिए कंप्यूटर के सामान और कागजात बिखरे पड़े हुए थे। उन्हें लगभग 6 बजे गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त संतोष कुमार यादव ने पूछताछ में बताया कि आकाश उर्फ अंकित श्रीवास्तव को 2 अभियुक्तों को एसएससी की परीक्षा में चयन के लिए 5.5 लाख दिया था, जिसकी बरामदगी मौके से हुई। संतोष यादव ओम ऑनलाइन सेंटर रुस्तमपुर गोरखपुर में पार्टनर है, जिसमें वह पैसा लगाया था। इसका नाम लिखित रूप से सेंटर में नहीं है, क्योंकि यह बिजली विभाग में 132 केवी गीडा में TG2 एसएसओ के पद पर नियुक्त है। आकाश उर्फ अंकित श्रीवास्तव ने बताया कि लैब में आईडी लगाकर अपनी आईडी लॉगिन करके बैठ जाएंगे, लेकिन कुछ सॉल्व नहीं करेंगे, बाकी चीजें भर लेंगे। संतोष कुमार यादव उत्तर प्रदेश पुलिस उप निरीक्षक पद की परीक्षा में ओम ऑनलाइन सेंटर में नित्यानंद गौड़, अश्वनी दुबे, रजनीश दीक्षित आदि लोगों से मिलकर सॉल्वर को बैठाया था, जिसके संबंध में 23 नवम्बर को रामगढ़ थाने में मुकदमा अपराध संख्या 434/2020-21, धारा 116, 120B, 419, 420, 467, 468, 471 IPC में एसटीएफ द्वारा पंजीकृत कराया गया है। आकाश उर्फ अंकित श्रीवास्तव ने पूछताछ में बताया कि वह वर्तमान में गीडा में लेखपाल के पद पर कार्यरत है। पिछले कई वर्षों से भर्ती परीक्षा में धांधली फर्जीवाड़ा करता रहा है, जिससे कि अभ्यर्थियों का चयन हो जाता है। इससे पहले उसकी मां के नाम पर स्वयं का अनीता ऑनलाइन सेंटर गोरखपुर में था, जो बाद में बंद हो गया। तब भी वह ऑनलाइन परीक्षा में धांधली व फर्जीवाड़ा करता था। वह ऑनलाइन परीक्षा कराने वाले सेंटर के कई संचालकों के संपर्क में है, जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रवेश पत्र बरामद हुए हैं। उसमें से कुछ अभ्यर्थियों की सेटिंग संचालकों से करा चुका है, जो मूल दस्तावेज एवं हस्ताक्षर युक्त चेक बरामद हुए हैं। वह आदमी फर्जीवाड़ा कर अभियुक्तों के चयन कराने के लिए लिया है। गैस चूल्हे पर पड़े कागज की राख के बारे में पूछने पर बताया, इसमें निखिल सिंह व अन्य के एडमिट कार्ड थे, जिसको साक्ष्य मिटाने के लिए जला दिए थे। बरामद सीपीयू मॉनिटर के बारे में बताया कि सॉल्वर अपने घर पर स्क्रीन शेयर करने वाले किसी ऐप से सेंटर संचालक से मिलकर घर से ही सॉल्व करा देता था। अरुण यादव से पूछने पर बताया कि वर्तमान में एजी ऑफिस में नियुक्त हैं और आकाश उर्फ अंकित श्रीवास्तव मुझे सॉल्वर के तौर पर बुलाया था। विनय यादव ने बताया कि वह प्रतियोगी परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों को खोज कर लाता था और सेटिंग कराता था, उसके बदले में कमीशन लेता था। निखिल सिंह ने बताया कि वह एसएससी परीक्षा में सिपाही भर्ती के लिए सेटिंग कराने आया था। दरवाजा देर से खोलने के बारे में पूछने पर सभी ने बताया कि आकाश उर्फ अंकित श्रीवास्तव ने हम सभी का मोबाइल फॉर्मेट कर दिया एवं अपना फोन नष्ट कर दिया है। गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध थाना शाहपुर पर मुकदमा अपराध संख्या 505/2020-21, धारा 201, 119, 420, 467, 468, 471 IPC व 68 IT Act का अभियोग पंजीकृत कराकर अग्रिम कार्रवाई शाहपुर पुलिस कर रही है। गिरफ्तार अभियुक्तों के पास से पुलिस ने नीली
बत्ती लगी हुई एक फॉर्च्यूनर कार, एक हुंडई कार, 5.5 लाख रुपए नगद, 10 लैपटॉप, 13 मॉनिटर, 10 व्यक्तियों के आधार कार्ड, प्रवेश पत्र, शैक्षिक प्रमाण पत्र, 5 मोहर सहित परीक्षा में शामिल होने वाले अन्य सामग्री को बरामद किया है। गिरफ्तार अभियुक्तों में संतोष यादव पुत्र जनार्दन यादव निवासी तितनापार थाना शहजनवा, आकाश श्रीवास्तव उर्फ अंकित पुत्र उमर शंकर श्रीवास्तव निवासी विष्णुपुरा भेड़ियागढ़ थाना शाहपुर, निखिल सिंह पुत्र रणधीर सिंह ग्राम जहिरा थाना सहरसा सोनीपत हरियाणा, अविनाश यादव पुत्र शीतला प्रसाद यादव निवासी आदेश नगर थाना कोतवाली उन्नाव, विनय यादव पुत्र दुर्बल यादव ग्राम जोराद थाना पनियरा महाराजगंज शामिल हैं। गिरफ्तार करने वाली टीम में एसटीएफ प्रभारी सत्य प्रकाश सिंह, प्रभारी निरीक्षक शाहपुर संजय कुमार सिंह, चौकी प्रभारी असुरन प्रणव ओझा सहित अन्य पुलिसकर्मी शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से दूरभाष पर बात करते हुए SPCT सोनम कुमार ने बताया। प्रयास किया जाएगा एसटीएफ और शाहपुर पुलिस की ज्वाइंट ऑपरेशन हुई थी। उसमें 5 फरवरी लोगों को गिरफ्तार किया गया। ये लोग भेड़ियागढ़ मोहल्ला है असरन चौकी के पास, वहीं से ये लोग कंप्यूटर के द्वारा जो है सॉल्विंग का काम करते थे। इनके पास से एक फॉर्च्यूनर, एक हुंडई i20, लैपटॉप, मोबाइल 5.5 लाख रुपए, प्रिंटर, CPU, फेक ID और एडमिट कार्ड वगैरह इनके पास से बरामद किए गए हैं। इनके नाम है संतोष यादव, आकाश श्रीवास्तव उर्फ अंकित, अविनाश यादव, विनय यादव और निखिल सिंह। SHO शाहपुर की टीम ने और SHO से जो है सत्य प्रकाश सिंह, SSI नजर इमाम, ICOP असरन प्रणव ओझा और SHO शाहपुर स्वयं संजय कुमार सिंह, इन लोगों ने मिलकर के इसका भानापोड़ किया है और इनको गिरफ्तार करके आगे कार्रवाई की जा रही है। तो क्या इसमें इनका कोई पिछले का भी कुछ पता चला कि क्या क्या इन्होंने किया? अभी पूछताछ की कार्रवाई हो रही है, उसके बाद ही सारी चीजें खुल के आएंगी और अगर इसके अतिरिक्त और भी कुछ ऐसे लोग मिलते हैं हमें तो उन्हें उनको भी गिरफ्तार करके उन पर भी कार्रवाई की जाएगी।